सत श्री अकाल। जैसे आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है, हमारी हर तरीके की प्रिकॉशन लेने के बाद कॉन्टेक्ट की, मास्क की, सैनिटाइजर की, डिसइंफेक्टेंट की, फिनाइल वाले पोचे की, उसके बाद भी ये बढ़ी जा रहा है। ऐसी क्या रीजन हो सकती है कि हमारी सारी चीजें कंट्रोल करने के बाद, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के बाद भी हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे? तो हमें कुछ थोड़ा बहुत पता चला कि आज की डेट में बहुत सारे बंदे फिनाइल अपने पोचे में या स्प्रे भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में। जैसे एग्जाम्पल में थोड़े से डालते थे, वो बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। तो क्या ये एक्चुअल में कोरोना वायरस को किल कर रहा है? चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और। दोस्तों, फिनाइल जो है बेसिकली ऐसा, पहली बात तो मैं आपको बड़ा सिंपल बताऊं कि हम बैक्टीरिया और वायरस किल करने के लिए घरों में यूज करते हैं पोचे में, लेकिन इसका ऐसा कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है वर्ल्ड वाइड जिसके ऊपर हम कह सके कि ये कोरोना वायरस को किल कर रहे हैं। तो आप अगर इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर रहे हो तो प्लीज रुक जाओ, क्योंकि फिनाइल जो है वो बेसिकली एक बेंजीन ग्रुप है जो बहुत ही ज्यादा कार्सिनोजिक है और ये हाईली करोसिव है। ये एक प्रोटोप्लास्मिक पॉइजन है जो काफी डेंजरस होता है और हार्मफुल गैसेस भी रिलीज करता है। तो आप इसको लगा तो रहे हो कि हमारी प्रोटेक्शन हो जाएगी और सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन ना तो ये उसके ऊपर काम कर रहा है, ना उसके ऊपर वो इफेक्टिव है कोरोना को किल करने के लिए, और ना, और बदले में हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी हेल्थ के ऊपर ही और ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो प्लीज प्लीज जरा सोचिए कि जो प्रोडक्ट आपको नुकसान पहुंचा रहा है वो कैसे कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट कर सकता है। आप प्लीज अपने आप को थोड़ा सा समझिए, अपने आपको सावधान रखिए और सुरक्षित रखिए। ऐसे कोई प्रोडक्ट बेसिकली हॉस्पिटल्स में या घरों में ना यूज करो, इससे किसी तरीके की कोई प्रोटेक्शन नहीं होने वाली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड विद स्टार वायर शील्ड। थैंक यू।